मुंगेर जिला अंतर्गत पड़ने वाले 26 किलोमीटर कांवरिया पथ में मुंगेर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई कई तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कांवरिया पथ पर एम्बुलेंस सा मिनी आईसीयू वैन भी कांवरियों के लिए करवाया गया उपलब्ध, ताकि जरूरत पड़ने पर कांवरियों की तबियत बिगड़ने पर तुरंत उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाई जा सके। दरअसल विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का शुभारंभ हो चुका है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बाबा धाम जाने वाले कांवरियों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। मुंगेर जिले के अंतर्गत 26 किलोमीटर कांवरिया पथ पर 7 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। इनमें 3 से 4 लाइव सपोर्ट एम्बुलेंस भी हैं और मेडिकल भाषा में लाइव सपोर्ट एम्बुलेंस को मिनी आईसीयू भी कहा जाता है। एम्बुलेंस में चिकित्सक के साथ टेक्नीशियन की पूरी टीम मौजूद है, ताकि कांवरियों की तबियत बिगड़ने पर तुरंत चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 26 किलोमीटर की दूरी में 13 जगहों पर स्वास्थ्य विभाग का विशेष चिकित्सीय कैंप होगा, जहां प्रत्येक तरह की दवाएं होंगी। वहीं इस मामले में मुंगेर सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा ने बताया है कि कांवरिया पथ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तैयारी की गई है। 2400 घंटे अलग अलग शिफ्ट में चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिकल कर्मी होंगे। दवा से लेकर स्लाइन, एंटी स्नैक और जीवन रक्षक दवाई उपलब्ध होंगी। वहीं जिले में कांवरिया पथ तारापुर अनुमंडल के अंतर्गत आता है। इसे आपको बता दें, इसीलिए तारापुर अनुमंडलीय अस्पताल को श्रावणी मेला तक अलर्ट मोड में रखा गया है। यहाँ इमरजेंसी में विशेष व्यवस्था होगी, बेड की संख्या बढ़ाई गई है। किसी कांवरिया की तबियत ज्यादा बिगड़ती है तो उन्हें कांवरिया पथ में सीधे एम्बुलेंस से सीधा अनुमंडलीय अस्पताल में लाकर इलाज के लिए भर्ती करवाया जाएगा। या यूं कहे कि इस बार स्वास्थ्य विभाग की अनूठी पहल शिव भक्तों के सफर को और भी यादगार बना देगी। मुंगेर जिला में स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो 26 किलोमीटर का जो दूरी पड़ता है, हर एक 2 किलोमीटर पर मेरा एक कैंप है, अस्थायी कैंप है। वहाँ आपको 77 प्रकार की दवा अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है, व्हील चेयर है, दो दो बेड है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है और हमारे जो डॉक्टर हैं 24 घंटा यहाँ 3 शिफ्ट में काम करेंगे। उनके खाने पीने रहने का भी इंतजाम कर दिया गया है। इस बार आईसीयू की भी व्यवस्था की गई है आपके कवरिया? आईसीयू क्या, हमारे आगे जो हैं 2 जगह हमारा परमानेंट हेल्थ एंड वेलनेस है, वहाँ हमारा विशेष ध्यान है। अच्छा। हाँ, विशेष तैयारी है वहाँ पर। उसके आपात के लिए तो हमारे पास एम्बुलेंस है, जो हम तारापुर में वहाँ एक अच्छी सेंटर भी खोल दिए हैं, वहाँ तुरंत इलाज होगा। कितने कर्मचारियों को लगाया गया है कितने? यहाँ 177 कर्मचारी हैं, करीब 39 डॉक्टर लगाया गया है। ये माना जाए स्वास्थ्य विभाग हर चीज़ से लड़ने को हर चीज़ के लिए तैयार है। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन।